सरकारी दफ्तरों में एक बात बड़ी आम रहती है, जब आप काम कराने के लिए जाते हैं तो कोई ना कोई अधिकारी छुट्टी पर होता है। इसके चलते आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और इस हाल को सुधारने के लिए छत्तीसगढ़ में बिना सूचना के ऑफिस नहीं आने वाले सरकारी कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है। सामान्य प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ऐसे कर्मचारियों पर सीधे बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी। इसके लिए उन्हें पहले नोटिस दिया जाएगा। ये आदेश एक महीने से ज्यादा आदतन गैर हाजिर रहने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए है। ऐसे किसी भी मामले में नोटिस में उचित कारण नहीं मिलने पर निलंबन नहीं, सीधे नौकरी से निकाला जाएगा। प्रदेश में लगभग 4.5 लाख अफसर और कर्मी हैं। ऐसे में इन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ये अलार्मिंग है। आदतन गैर हाजिरी वाले कर्मचारियों के खिलाफ जांच बिठाई जाएगी। 6 महीने के अंदर ही जांच के बाद एक्शन भी लिया जाएगा। दोषी पाए जाने पर उनकी पेंशन में भी कटौती हो सकती है और अगर ऐसे कर्मचारियों को विभाग के प्रमुखों ने बचाने की कोशिश की तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक 1 महीने से ज्यादा बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों को विभाग से नोटिस भेजा जाएगा। विभाग की ओर से यह कहा गया है कि सूचना पत्र भेजे जाने के 15 दिन के अंदर कर्मचारियों को कारण बताना होगा कि उन्होंने बिना बताए छुट्टी क्यों ली। विभाग का कहना है कि अगर कारण उचित नहीं हुआ तो उनकी इस अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान माना जाएगा। साथ ही पेंशन, भत्ते और आदि सभी जरूरतों को उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा। इसके बाद विभागीय जांच का निराकरण भी अधिक से अधिक 6 महीने के अंदर करना होगा। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर जानने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।